सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी के एक्स सेवन प्रो स्मार्टफोन के बारे में। फाइनली ये आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में इंडिया पर देखने को मिलेगा। आज ये स्मार्टफोन फाइनली इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, जिसके साथ साथ कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन आपको कंफर्म 100% इंडिया पर फाइनली देखने को मिलने वाला है। और साथ में लॉन्चिंग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुकी है और बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन फाइनली आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक पर देखने को मिल सकता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या स्पेक्स आपको इस फ़ोन की देखने को मिलती है, जो कि इस फ़ोन को खास बना देती है। इतनी कम प्राइसिंग में आपको एकदम फ्लेक्सी डिवाइस देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल से इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इस वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इस फोन की प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसिंग में ये अच्छा स्मार्टफोन, फ्लैक्सी स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, जैसे कि ये फोन जो आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि 5G की कनेक्टिविटी के साथ में देखने को मिलेगा। साथ में गाइस, हम बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर से। जिस फोन का आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 प्लस वाला चिपसेट इस फोन पर देखने को मिलेगा, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिल जाता है। एकदम फ्लेक्सिबल चिपसेट आपको मीडियाटेक की तरफ से देखने को मिल जाता है। ये इस फोन की परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी और साथ में 5G का सपोर्ट भी आपको इस चिपसेट का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाती है कि 5G के सपोर्ट के साथ में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में ये चिपसेट आपको देखने को मिलता है। तो यही चिपसेट आपको इस फोन पर देखने को मिलने वाला है, रियलमी के X7 स्मार्टफोन पर। साथ में हम बात करते हैं रियलमी के X7 की डिजाइन और साथ में इस फोन के डिस्प्ले से। तो बैक साइड पर आपको फुल ग्लास बॉडी इस फोन पर देखने को मिल जाती है और साथ में काफी अलग टाइप की डिजाइन आपको इस फोन की देखने को मिलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ में जो डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.5 इंच की आपको इस फोन की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिलती है। और साथ में एमोलेड डिस्प्ले आपको इस फोन की देखने को मिल जाती है विथ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, जो कि इस फोन की डिस्प्ले आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। साइड पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी और विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको इस डिस्प्ले का देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। साथ में जब हम बात करते हैं इस फोन के कैमराज की, तो कैमरे पर भी आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा का सेटअप इस फोन पर देखने को मिलेगा। और साथ में जो आपको 64 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलेगा वो आपको सोनी का IMX686 लेंस के साथ में ये स्मार्टफोन का कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी के साथ में इस फोन का कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। सेकेंडरी कैमरा आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा और 2 MP के दो कैमराज और भी आपको इस फोन के देखने को मिल जाएंगे। साथ में गाइस, फ्रंट कैमरे की बात कर लें तो 32MP की फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ में ये स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि सेल्फी कैमरा भी बहुत ज़्यादा इस फोन का आपको बेटर देखने को मिल जाता है। तो कैमरे के मामले में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में ये स्मार्टफोन आने वाला है। साथ में गाइस, हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, जो गाइस इस फोन की आपको बैटरी देखने को मिलती है वो 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी इस फोन पर। और चार्ज करने के लिए आपको 65W का एक बड़ा चार्जर भी आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आधे से पौन घंटे में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा इस चार्जर के थ्रू, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। साथ में इस फोन के थोड़ा सा आपको निराश हो सकते हैं इस बात को जानकर, क्योंकि इस फोन पर आपको कोई भी 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता और साथ में टाइप सी का पोर्ट भी आपको इस फोन पर देखने को मिल जाता है। तो 3.5mm ऑडियो जैक आपको इस फोन पर देखने को नहीं मिलने वाला और ना ही कोई आपको SD कार्ड का स्लॉट इस फोन पर देखने को मिलता है। नैनो सिम कार्ड स्लॉट आपको इस फोन पर देखने को मिलता है, जिस पर आप 2 SIM ही लगा पाएंगे। SD कार्ड का कोई भी स्लॉट आपको इस फोन पर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये बात होती है आपको थोड़ा सा निराश कर सकती हैं ये दोनों बातें। और साथ में इस फोन पर आपको LPDDR4X की रैम टाइप देखने को मिलेगी, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप आपको इस फोन पर देखने को मिलेगा। और साथ में गाइस, Android 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। और साथ में गाइस, जो इस फोन का रैम ब्रांड देखने को मिलेगा वो चाइना पर आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इस फोन का बेस्ट ब्रांड आपको देखने को मिला था, बट इंडिया पर भी आपको यही रैम ब्रांड हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि SD कार्ड का कोई भी स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरनल स्टोरेज भी आपको बहुत ज्यादा बेटर इस फोन का देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, इतनी कुछ कंप्लीट स्पेक्स आपको रियलमी के X7 प्रो स्मार्टफोन की देखने को मिल जाती है। और साथ में गाइस, जो लॉन्चिंग डेट की बात कर लें तो लॉन्चिंग डेट तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लीक्स के अकॉर्डिंग, मतलब आप कंफर्म ही मान सकते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक पर फाइनली आपको ये स्मार्टफोन इंडिया पर देखने को मिल जाएगा। और साथ में गाइस, हम बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की, जो कि
प्राइजिंग बहुत ज़्यादा इस फ़ोन की क्लियर होने वाली है। बहुत ज़्यादा आपको कम प्राइजिंग में एक अच्छा डिवाइस देखने को मिलने वाला है, जो कि इस फ़ोन की आपको प्राइजिंग देखने को मिलेगी वो आपको 24 से 30K तक आपको इस फ़ोन की प्राइजिंग देखने को मिल जाएगी। मतलब 25 से 30 हज़ार के रेंज के बीच में आपको इस फ़ोन की प्राइजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि इस प्राइस सेगमेंट का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आपको 5G के सपोर्ट के साथ में एकदम फ्लैक्सिव चिपसेट के साथ में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन होने वाला है, आप वेट कर सकते हैं। इस फ़ोन को आपको दिसंबर के मंथ पर फाइनली कन्फर्म देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन इस फोन के अकॉर्डिंग शेयर करनी थी। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स वॉचिंग।